स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचार। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आता, तब तक मनुष्य को ये एहसास नहीं होता है कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। हम वही हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात पर ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। स्वयं पर विश्वास करो। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। हम हमेशा अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी भावुकता को प्रेम कहते हैं और अपनी कायरता को धैर्य। अपने लक्ष्य को अपनी काबिलियत के स्तर से नीचे न रखें, बल्कि अपनी काबिलियत के स्तर को अपने लक्ष्य के जितना बड़ा बनाने की कोशिश करें। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, वही अग्नि हमें नष्ट भी कर सकती है, और इसमें अग्नि का कोई दोष नहीं है। जब लोग तुम्हें गाली दें, तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो कि तुम्हारे झूठे फरेब को बाहर निकालकर वो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। सच्चाई के लिए कुछ भी छोड़ देना चाहिए, पर किसी के लिए भी सच्चाई को नहीं छोड़ना चाहिए। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसा हम अंदर से सोचते हैं। हमारे विचार ही चीजों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। पूरा संसार हमारे अंदर समाया हुआ है, बस जरूरत है चीजों को सही रोशनी में रख कर देखने की। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।